देवास में मतदान केंद्र पर निकला 7 फीट लंबा सांप, जान बचाकर भागे लोग। मध्य प्रदेश में 19 जिलों की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया जारी। मतदाता पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे। उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उपचुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की गई। इसी बीच उपचुनाव के मतदान से पहले देवास जिले के हाटपिपल्या में कुछ ऐसा हुआ जिसने मतदान दलों के पसीने छुड़ा दिए। दरअसल हाटपिपल्या विधानसभा के सोडानखेड़ी पोलिंग बूथ पर मतदान से पहले 7 फीट लंबा सांप निकल आया। बूथ पर सांप को देखकर वहां मौजूद लोगों की सांस अटक गई और अफरा तफरी मच गई। सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागे। सांप निकलने की सूचना के बाद उसे पकड़ने के लिए सर्प विशेषज्ञ को बुलाया गया। सर्प विशेषज्ञ सांप को पकड़कर अपने साथ ले गए, जिसके बाद पोलिंग बूथ पर स्थिति सामान्य हो सकी। बता दें कि हाटपिपल्या विधानसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है। आज हो रहे मतदान के बाद 10 नवंबर के परिणाम प्रदेश की भविष्य राजनीति का रास्ता तय करेंगे। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।